बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी गाइस, अभी आज मैं जा रहा हूँ वाल साहब की तरफ से जा रहा हूँ मैं तो उधर उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने हम लगा रहे उधर सब्जियां वगैरह लगानी, बीज लगाने हैं, तो आओ जी लगाते हैं। लेकिन मुझे रास्ते में मिला जी कछुआ, तो मैं आपको वो पहले दिखाता हूँ। ये देखे जी, ये देखिए मस्त छोटा सा जो है ना हमारा ये कछुआ है, खूबसूरत सा। ये देखे, ये अपने शेल में जो है ना वो चला गया। ये देखे कितना खूबसूरत है। ये देखे जी, मैं देखे जैसे मैं पीछूंगा ये बाहर आ जाएगा। वही देखे, वो देखे बाहर आ गया और स्पीड से ना जा रहा है नीचे। ये देखे वो कितना खूबसूरत है। ये देखे जी उसका चेहरा नज़र आ रहा है। ये जी वो गया नीचे। और ये जी एक खूबसूरत सनसेट, कितना खूबसूरत लग रहा है इस वक्त। चलें जी, अभी चलते हैं वाला साहब की तरफ, तो उधर चल के आपको दिखाते हैं। उन्होंने कुछ काम करवाया भी हुआ है, तो देखते हैं जी क्या काम करवाया हुआ उन्होंने अभी तक और कितना काम रहता है। उधर चलते हैं आपको इंशाल्लाह इधर करवा दें। मैं आ गया हूँ वाला साहब की जगह पे आ गया हूँ। पीछे मेरे आप बाग देख सकते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। ये दो दिन तीन दिन पहले ना उन्होंने वाला साहब ने ना काम करवाया था बाग का, तो क्यों हाल ही दिनों पिछले दिनों में जो है ना काफ़ी बारिश हुई थी, तो जाहिर बात है ज़मीन में जो है ना काफ़ी नमी हुई हुई थी, तो अभी उन्होंने काफ़ी काम करवाया, तो इसलिए दो दिन तीन दिन छोड़ दी हुई थी ताकि जो पानी जो नमी है ना वो खुश्क हो जाए। अब वो खुश्क हो रही, तो अब वो लगा रहे हैं लहसुन लगा रहे हैं, उस शास में शलगम लगाएंगे, मूलियाँ वगैरह लगाएंगे। जो काम हो रहा है वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। वो पहले मैं दिखाता हूँ कि इन्होंने क्यारी भी बनाई है जो हमारे पीछे, तो आपको पौधे नज़र आ रहे हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जी, ये पौधे हैं, ये अभी इनके ना क्यारियाँ बनाई हैं। ये देखिए इधर भी उस तरफ भी, और ये देखते हैं जगह जो है ना काफ़ी अब खुश्क हो गई हुई है। पहले काफ़ी ना नमी थी इसमें, और दो तीन दिन जो है ना वो इस तरह रखी है, धूप और हवा लगी तो काफ़ी ठीक हो गई है। ये देखें जी, यहाँ भी इन्होंने क्यारी बनाई है, और उसके बाद ना यहाँ पर भी जो ना ये क्यारी बनाई गई है। ये आम का है लेकिन थोड़ा सा सूख गया। ये जो है ना ये नींबू है, ये देखे ना, ये देखिए ये नींबू थोड़ा ना लगे हुए हैं, छोटे छोटे जो है ना ये नींबू लगे हुए हैं। ये जो बड़ा दरख्त आप देख रहे हैं, जो आप बड़ा दरख्त देख रहे हैं, ये जो है ना ये है, ये शहतूत का दरख्त है, लेकिन अभी तक इसको जो है ना फल नहीं लगा, ये अभी इसी तरह ही है। और ये सामने ना ये सारे रखे कि चिड़ियाँ जो अभी गर्मी थी ना तो रखे हुए थे कि चिड़ियाँ इधर आ जाएँ बैठ जाएँ छाँव में, और इधर रखा हुआ है तो इधर रेस्ट वगैरह कर लें, आती भी चली जाती हूँ। ये ना कुछ लाइट्स लगाई हुई हैं, ये आपको जूम करके दिखा दूँ, ये सोलर लाइट है, एक इधर लगी हुई है और एक लगी हुई है इस तरफ, ये आप देख सकते हैं ये लगाई हुई है, ये सेंसर के साथ है। तो ये जब भी शाम होगी अगर इधर से कोई भी आएगा ना इस सेंसर, तो ये लाइट ऑन हो जाएंगी, कोई भी आदमी चलेगा उसकी आवाज़ से ना ये चलना शुरू हो जाएंगे, लाइट जो है ना वो ऑन हो जाएगी, और जब आदमी पीछे हो जाए दूर हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक जो है ना बंद हो जाएंगी। ये देखिए ये भी एक नींबू का जो पौधा है हमारा, इस पर भी जो ना फल लगा हुआ है। ये देखिए इसकी क्यारी जो है अभी नहीं बनाई, ये बना लेते अभी। इसके बाद ये दरख्त का जो है ना ये उसका है अमरूद का, इसकी क्यारी जो है थोड़ी सी डीप नीचे हो गई हुई है, इसको अब सेट करते हैं। ये क्यारी ठीक है इसकी, ये वाली ये भी जो है ना अमरूद का ही है। ये देखें, ये देखें एक ये है, इधर भी क्यारी बनाई है, और ये जो है ना ये माल्टा और ये मौसमी का है, लेकिन अभी तक इनको जो है फल नहीं लगे, दो दो साल से ऊपर हो गया है, लेकिन इस साल उम्मीद है ये अब मौसम आ रहा है तो ये फल लगेगा इसको। इसकी भी देखें क्यारी जो है ना बनी हुई है, देखें जी ये देखें जी, ये इधर ना लहसुन ना लगाया हुआ है, आपको लहसुन नज़र आ रहा होगा, इधर इधर ना ये मुकम्मल जो है ना इधर लहसुन लगा रही है, देखिए इस तरफ, और इस तरफ ना ये देखें इधर गोटी हो रही है अभी, इस पर भी ना शलगम लगाएंगे या जी इधर ना देसी जो है ना इधर देसी लहसुन लगेगा, और उस तरफ जो है ना ये जो इधर जगह तैयार की हुई है इधर इधर ना मूलियाँ और शलगम वगैरह वो इधर लगाएंगे, और काफ़ी बड़ा एरिया है, काफ़ी अच्छा लग जाएगा। तो आपको जैसे जैसे चीज़ें लगाते जाएंगे आपको साथ साथ में जो है ना दिखाते जाएंगे। अभी मैं आया हूँ सिस्टर की तरफ, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, सिस्टर ने ना दो क्लीन ली हैं, तो माशाल्लाह बड़े खूबसूरत, मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये देखें जी माशाल्लाह ये दो क्लीन ली हैं, एक ये है मेहरून कलर है, मेहरून और गोल्डन कलर का, और साथ में ये है जी माशा, ये कलर कितना खूबसूरत है,
ये देखें जी माशाल्लाह, ये भी कलर कितना खूबसूरत है, ये डार्क ब्लू और साथ में कौन से मेहरून कलर है बीच में, काफ़ी अच्छा खूबसूरत ये भी है। तो ये माशाल्लाह सिस्टर ने जी 5,000 के जो दोनों लिए हैं वो कितना खूबसूरत है। मुझे ये तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत मुझे ये लग रहा है, कितना खूबसूरत है, एक यूनिक कलर जैसा लग रहा है, डिज़ाइन बहुत अच्छा है। आप ये मैं आपको दोनों दिखा रहा हूँ और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि दोनों जो है ना, दोनों में से कौन सा जो कलर है वो खूबसूरत है, और प्राइस मुझे बतानी है आपने कि हम ठीक प्राइस से लिए हैं, 5,000 के दो लिए हमने। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है जब? ठीक है गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ, सुबह का टाइम है, 8 बज गए हैं, अभी मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट पे इसलिए जा रहा हूँ कि चाचू आ रहे हैं बाहर से, तो इंशाल्लाह उनको लेने के लिए जाते हैं, अब चलते हैं एयरपोर्ट इंशाल्लाह। ओके बाय जी। फाइनली जी मैं एयरपोर्ट पे पहुँच चुका हूँ और अभी चलते हैं, देखते हैं फ्लाइट जो है ना वो कितनी देर आएगी है उतरने में, तो आपको बताते हैं। जी ये है जी हमारा सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इधर अच्छा है। राशन जी पाकिस्तान पी आई है, पाकिस्तान लैंड जहाज उतर चुका है, 8:47 पे जो है ना जहाज उतर अभी अभी ना पैसेंजर जो है ना वो आने शुरू हो गए, लोग ना बाहर आना शुरू हो गए, लेकिन अभी तक चाचू जो है ना वो नहीं आए, काफी लोग बाहर निकल आए हैं हमारे यहाँ, चाचू जहाँ जो है ना वो अभी तक बाहर नहीं आए हैं, आज धूप जो काफ़ी तेज़ हो गई, लेकिन अभी तक नहीं चाचू जो है वो बाहर नहीं आया है। ये जी चाचू नज़र आए हैं आगे, चाचू बाहर आने लगे हैं, बाहर सामान कलेक्ट कर रहे हैं। ये जी चाचू जान जो है वो हमारे बाहर आ गए हैं, चाचू से मिलते हैं जी जल्द। अस्सलाम वालेकुम चाचू जान, क्या हाल है? ठीक है जी, हम घर आ गए हैं, चाचू जो वो भी अपने घर आ गए हैं, तो अभी मैं करने लगा नाश्ता, नाश्ते में क्या है आपको दिखाता हूँ जी। नाश्ते में जो है ना जी आलू वाला पराठा है, साथ में पुदीने की चटनी है, और साथ में जो है ना जी अम्मी जान ने ना बनाए हैं चने, बड़े मज़ेदार। अब जी नाश्ता करते हैं मज़ेदार, फिर इंशाल्लाह आपसे बात करते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ काम के लिए, शाम तो हो गई है, असल में मैंने जाना था काफ़ी देर पहले, लेकिन थोड़ा सा काम पड़ गया, उस वजह से मैं नहीं निकल सका। अभी मैं जा रहा हूँ सोफे और रो लगा रहे हैं ना, तो उसके सामान लेने जा रहा हूँ, जी भाई मैं आया हूँ इस शॉप पे, अभी इधर ऊपर ये देखिए ऊपर ना जैसे समोसे रोल इधर बनाते हैं, ये शॉप है इनकी, जैसे काफ़ी चीज़ें जो है इनके पास मिल जाती हैं, जो भी चीज़ आप वगैरह ऑयल वगैरह भी लेना हो शॉप पर या कोई भी चीज़ें वो इनसे मिल जाती हैं। ये किस जगह पर वाकई है मैं आपको बता दूँ, ये सियालकोट में बड़ी मंडी जो नहीं ये उसके करीब ही है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा। ये देखे जी ये बड़ी सब्जी मंडी नहीं जो ये उस तरफ ये पास ही इधर साथ में, और ये शॉप जो है ना इस वाक्य शॉप का मैं आपको नाम दिखा देता हूँ, शॉप का नाम है जी तलहा ट्रेडर्स है शॉप का नाम। ये इस तरफ से ना मैं आया हूँ, ये मेन जो मशहूर है वो यही है कि मेन बड़ी जो सब्ज़ी मंडी नहीं उसके पास ही है तलहा ट्रेडर्स जो है ना उसके पास, तो अभी इनसे जी समोसे और रो लेते हैं तो फिर इंशाल्लाह घर को चलते हैं। ये देखें जी ये मैंने लिए हैं, ये समोसा है और ये रोल है, ये मैंने ना मटेरियल जो है ना ये सारा लिया है, समोसा और रोल लिया है मैंने। अभी इनको जो है सिर्फ हमने इनको सिर्फ फ्राई करना है, कुकिंग ऑयल में सिर्फ फ्राई करना है और भेज देना है। ये ठीक है जी, ओके जी गाइस, अभी मैं आ गया हूँ घर, शाम हो गई है, तो वो मैंने अभी रख दिया, अभी सुबह जो है ना स्कूल लेके जाऊँगा, अभी मैंने फ्रीज वाली जगह नहीं उस साइड पर रख दिया, अभी जब सुबह स्कूल जाऊँगा तो वो ले दूँगा, ले जाऊँगा वो साथ में दे दूँगा। तो चलिए आज का व्लॉग जो मैं ये भी ख़त्म करता हूँ, अगर मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन वो आप तक जरूर पहुँच सकें। तो इमरान अली को दीजिए ज़्यादा अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।